हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल मोटिवेशन में। और आज के इस वीडियो में ओप्पो F9 की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। सबसे पहले बात करें बॉक्स के आगे की तरफ, यहाँ पे दिया हुआ ओप्पो F9 और 4 GB रैम, इसमें 64 GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। पर्पल कलर ये मेरे पास है इसका। और इसके अलावा अगर बॉक्स पे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, वो आगे चल के मैं बॉक्स ओपन करने के बाद आपको बता ही दूंगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसका ये बॉक्स ओपन। बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ये छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है। और इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर और वो जो पेपर वर्क मिलते हैं, यूजर मैनुअल वगैरह सब दिया हुआ है। बैक कवर अगर आप इसका देखेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अभी लग रहा है और काफ़ी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इसको रखते एक बार साइड में और मेन यहाँ पे अपना ये फ़ोन इसमें देखने को मिल जाता है। फ़ोन को निकाल लेता हूँ मैं बाहर, इसका रेपर उतार देता हूँ। यहाँ पे देखते इसको ऑन करते हैं तो फ़ोन तो अभी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर फोकस करते हैं और ये देखिए फ़ोन ऑन हो गया। और पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसका डिज़ाइन अलग है ओप्पो F9 प्रो से। जहाँ पे अपन को ओप्पो F9 प्रो में ग्रेडियंट कलर बॉडी देखने को मिला था, वहीं इसमें शायद ये ज्वेलरी कट ज्वेलरी डिज़ाइन यहाँ पे ये देखने को मिला है। तो इसके अलावा अगर इसका पूरा लुक वगैरह सब कुछ फिजिकल ओवरव्यू लेंगे तो ये ऑन होता है इतनी देर में। देख लेते हैं बॉक्स में बाकी क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक ये चार्जर दिया हुआ है जिसकी रेटिंग अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 5V 2A इसकी रेटिंग है। तो आपको इसके अंदर 5V जो ओप्पो F9 प्रो में 5V 4A का मिलता था वो चार्जर देखने को नहीं मिलता, तो शायद आपको यहाँ पे वो फ्लैश चार्ज भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे बॉक्स के अंदर और चीज़ें तो यहाँ पे एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये ईयरफोन आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं, जो कि ईयरपोड टाइप आपको ये देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये ईयरफोन यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि पुराने टाइप के यहाँ नहीं मिलते देखने के लिए। इसके अलावा अगर बॉक्स को तो सारा कंटेंट यही था, बाकी अगर फ़ोन को मैं फटाफट इसका सेटअप कम्प्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ओप्पो F9 प्रो का यहाँ पे मैंने सेटअप कंप्लीट कर लिया, उसमें फेस और फिंगरप्रिंट इनरोल कर लिए, तो वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे लगाया ये अनलॉक कर पा रहा है एकदम से, मतलब काफ़ी फास्ट है यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप प्लेस करिए और ये फटाफट आपका विद इन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में अनलॉक कर देगा। सही जगह प्लेस करिए अनलॉक कर देगा। तो आप इसका फेस अनलॉक भी साथ में चेक कर लेते हैं और देखिए आप कितना फास्ट है इसका फेस अनलॉक, बिल्कुल से एकदम मतलब ओपन कर पा रहा है एकदम। आप देखिए जैसे फेस के सामने से लाया एकदम से फटाफट ये अनलॉक कर देता है। तो फेस एंड फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके सेटिंग मेन्यू में चलते हैं और अबाउट फोन सेक्शन में जाके चेक करते हैं कि भाई क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है और कलर ओएस वर्जन 5.2 दिया हुआ है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड ओरियो पर। एंड्रॉयड 8.1.0 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। 4 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। F9 प्रो में 6 GB रैम था, यहाँ पे 4 GB रैम कर दिया। इसके अलावा इस फोन की और चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और यहीं पर एक स्पीकर दिया हुआ है, ईयर स्पीकर दिया हुआ है। 6.3 इंच का आपको ये डिस्प्ले मिलेगा, Full HD+ डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगा। वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन आप जो ओप्पो F9 प्रो में दिखा था तो सेम स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो इस पर फोकस करते हैं और यहाँ पे आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। एक माइक दिया हुआ है, 3.5 mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन दिया हुआ है और यहीं पे ये सिम ट्रे दिया हुआ है। तो जल्दी से इसको चेक करते हैं कि इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट इसमें देखने को मिलता है या नहीं। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आप 2 SIM के अलावा एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक मिलेगा आपको। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, ज्वेलरी डिज़ाइन बोल सकते हैं आप इसको। ओप्पो का ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी फास्ट है, अभी चेक किए थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 16+2 MP का ड्यूल रियर कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। तो ये सारा इसका फिजिकल ओवरव्यू है। फोन लुक वाइज काफ़ी शानदार है। फोन की अगर और बात करें तो यहाँ पे इसको फेस सामने जाता हूँ, फेस अनलॉक इसका काफ़ी फास्ट है और कैमरा का इसका अगर चेक करें तो यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और सारे मोड अपने को देखने को मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट वगैरह फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा सारे नॉर्मल मोड दिए हुए। वीडियो क्वालिटी इसका चेक कर लेते हैं कितना तक मिलता है। 1080p यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है, तो यहाँ पे 1080p तक आप इसके रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा के वीडियो की अगर देखेंगे तो फ्रंट में भी आप 1080p तक इसमें
रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो फोन ओवरऑल काफी यहाँ पे अच्छा होने वाला है। कैमरा के कुछ सैंपल्स मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कैमरा के सैंपल है इसके रियर कैमरा से लिए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग मोड में अलग अलग इसके सैंपल शॉट लिए गए हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी कुछ सैंपल लिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी इसमें ब्यूटी मोड, एचडीआर मोड वगैरह सारे आपको ऑप्शन देखने। इसके अलावा ये जो आप सैंपल देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से लिए गए हैं, और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो वो इसमें आपको काफ़ी अच्छे पिक्चर्स दे पा रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियर पिक्चर्स आ रही है। बाकी आप इसके सैंपल्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इसके कुछ सैंपल्स है, बाकी कैमरा रिव्यू करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इसे स्मार्टफोन में वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो ओप्पो F9 Pro में देखने को मिला था। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको वॉक फ्लैश चार्ज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे बात करें तो ओप्पो F9 Pro कंसिडर करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी जगह यहाँ पे अभी वेट कर लीजिए, वीवो V11 आने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं रहेगा, करीब 2,000 रुपये प्राइस डिफरेंस रह सकता है। इसकी प्राइस आपको बता दूँ 19,990 रुपये, यानी करीब 20,000 रुपये मिल जाएगा, और उसकी प्राइस करीब 22,000 होने वाली है, अभी फाइनल पता नहीं। तो यहाँ पे 2,000 रुपये प्राइस का ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपको उसमें काफ़ी अच्छे और स्पेक्स मिल सकते हैं। उसका फर्स्ट लुक का वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पर आपको शो हो रहा होगा उसका फर्स्ट लुक का वीडियो, और वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उसका मैंने फर्स्ट लुक दिखाया है और सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह बताए, तो वो एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।